So the next topic is the rise and growth of Gupta Empire, the way it is written in NCERT. ठीक है, the age of Guptas वो हम बोल सकते हैं, it was from 320 AD to 550 AD. तो ये जो हम इराज बताते हैं किसी भी एम्पायर का, इसका मतलब उस वो उसकी शुरुआत से अंत तक होता है. तो शुरुआत में भी वो एम्पायर छोटा होता है, बीच के पार्ट में बड़ा होता है, एंड देन अगेन इट श्रिंक्स. And finally, it is ended due to weak successors and many other reasons. और फिर एक नया empire आता है. तो history is replete with such examples. बड़े-बड़े empires आए और गए. ठीक है, हमने भी अभी देख लिया है कितने सारों के साथ ऐसा हुआ है. तो जो गुप्ता empire था, इसका एक अगर हम ये करें उसकी शुरुआत के बारे में अगर हम देखें, तो पहले मैं उसको हमें उसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत देख लेते हैं. तो अब हमने देखा था कि मौर्य एम्पायर के ब्रेकअप के बाद अगर दो बड़े एम्पायर्स आए इंडिया में, तो वो ऑफकोर्स तुरंत मौर्य के ब्रेकअप के बाद नहीं आए. तो वो थे इधर सतवाहनाज डेक्कन एरिया में और उधर कुशंस नॉर्दर्न साइड में. ओके, एंड इन दोनों एम्पायर्स ने 3rd century AD तक अपना वर्चस्व बना के रखा नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया रिस्पेक्टिवली में. तो ऑन द रूइंस जब कुशन एम्पायर खत्म होने को आ गया था, जैसे हमने उसके जो किंग्स देखे थे लास्ट के, तो उनके पास तब ऑलरेडी काफी कम पोजीशंस रह गई थी. तो एक ब्रीफ पीरियड के लिए कुशन नॉर्दर्न इंडिया में एक कुशन एम्पायर जो था that came to an end by around 230 AD. And good part of the central India, yani India ka jo middle part hai, that fell under the Murundas. Ek Murundas karke ek dynasty thi, jinhone usko central India pe rule to kiya, lekin uska rule bahut brief period ke liye tha. So it hardly lasted for 25 years. Aur phir uske baad 275 AD mein, theek hai, 275 AD mein गुप्ता एम्पायर की नींव रखी गई, एंड द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज श्री गुप्ता. तो अब गुप्ता जो पॉसिबली द फ्यूडेटरीज ऑफ कुशंस होंगे, जैसे बाकी के लोग कुशंस, हर एम्पायर जो बड़ा होता है वो पहले किसी एम्पायर के फ्यूडेटरीज होते हैं. फ्यूडेटरीज मतलब जो जागीरदार टाइप के लोग होते हैं. नाउ द गुप्तास वर पॉसिबली फ्रॉम द वैश्य ओरिजिन. तो हिस्ट्री में एक ही ऐसा एग्जांपल है कि वैश्य कम्युनिटी ने के राजा भी होके गए, एंड फिर इस केस में दे वर नॉट टर्म्ड एज क्षत्रियाज, दे वांटेड टू मेंटेन देयर स्टेटस एज वैश्यास. ओके, फिर अब ये वैश्य ओरिजिन के थे, फिर इनकी जो सेंटर ऑफ पावर था दैट वाज एट प्रयाग, एंड उसके बाद प्रयाग मतलब आज का मॉडर्न डे इलाहाबाद हुआ, और वहां से उन्होंने फैलना शुरू किया. और उनके पास जो कुछ बेसिक मटेरियल एडवांटेजेस थे वो थे कि जैसे गंगा का फर्टाइल लैंड, यूपी और वो जो एरिया का जो फर्टाइल लैंड है, आज भी तुम अगर जैसे गुप्त यूपी बिहार इन एरियाज में कहीं घूमने जाओ तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, नेचुरल ग्रीन ट्रीज, बारिश आए ना आए, क्योंकि वहाँ की लैंड ही बहुत फर्टाइल है. वहाँ पर ढेर सारी रिवर्स है, गंगा है जिसका सीपेज पानी जमीन के अंदर कितने किलोमीटर तक जाता होगा. सो ये सारे एडवांटेजेस उनको थे. नाउ दे ऑल्सो हैड ट्रेडिंग रिलेशंस विद द रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर के साथ उनका ट्रेड मेजरली तब बढ़ा जब चंद्रगुप्त टू जो था उसने शाका पावर को गुजरात एरिया में खत्म कर दिया. तो हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में कि द शाकाज were overrun by the Kushans, but one of their branches of western India, which comprised of the present day Gujarat, the Konkan coast, ye sara jo part tha Shakas ke under mein, aur usko us power ko finally, now Shakas also had matrimonial relations and conflicting relations with the Satvahanas, lekin wo branch unki intact thi, aur wo finally destroy ki Chandragupta II ne, and with this the Gupta Empire got advantage of trading with the Roman Empire.
तो इनका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट किंग था, दो द फाउंडर वॉज श्रीगुप्त, लेकिन इनका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट किंग था दैट वॉज चंद्रगुप्त वन, हु रूल्ड फ्रॉम 319 टू 334 एडी. Now he married a Lichhavi princess and who was most probably from Nepal, and his that strengthened his position. Then the process, the Guptas were possibly Vaishyas, and hence marriage in a Kshatriya family gave them prestige. Because higher world mein shaadi ho rahi hai, so that gave them a prestige, and so that was a trend that even if you don't embrace the Kshatriya status, you would make maintain some matrimonial relations with the Kshatriya families. Okay. So, uska hi ye hai. Many inscriptions have been attributed to Chandragupta I, aur usne iska major expansion shuru kiya Gupta Empire ka. Lekin Gupta Empire sabse jyada, now it reached the pinnacle of its glory during the reign of Samudragupta. समुद्रगुप्त जो था उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता. अब देखा जाए तो ये एक ब्रिटिश ये था कि दैट नेपोलियन वाज इन 17th सेंचुरी इन फ्रांस, समुद्रगुप्त तो उससे पहले था, तो नेपोलियन शुड हैव बीन कॉल्ड समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस, बट वो जो भी है. और वैसे भी समुद्रगुप्त का एम्पायर नेपोलियन से ज्यादा बड़ा था. तो अब समुद्रगुप्त ने रूल किया था 335 से 380 एडी तक. नाउ हिज कोर्ट पोएट हरिसेना जो है उसने उसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में काफी एक ग्लोइंग अकाउंट दिया है, एंड हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स इट हैज बीन इन्यूमरेटेड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना. तो and also the countries that were conquered by Samudragupta. So uska jo Allahabad inscription hai wo basically usi pillar pe jo Ashokan pillar hai. Acha, fir Samudragupta ne by and large pure India pe raj kiya. Ab wo raj ek chhatra raj, yani wo again that suzerainty principle was used which most of the rulers used in India. रूल्ड इंडिया, जैसे ब्रिटिश ने भी ऐसे ही सिस्टम रखा था प्रिंसली स्टेट्स के साथ, देन अकबर ने रखा था. सो उसका भी राज ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गुप्ता एम्पायर, एंड ओनली थ्री पीपल बिफोर ब्रिटिश हैड रूल्ड द एंटायर कंट्री, ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री. सो देवर अशोक, समुद्रगुप्त एंड औरंगजेब. ओके, तो अब समुद्रगुप्त ने अपना जो पूरा एम्पायर था उसको फाइव मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था. सो वन ग्रुप वाज इंक्लूडेड द प्रिंसेस ऑफ गंगा जमुना द्वीप. सो जो वो फर्टाइल लैंड पार्ट है एक वो था, एंड फिर सेकंड ग्रुप वाज इन द ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स. नाउ उसमें फिर कुछ फ्रंटियर स्टेट्स हो गए जैसे नेपाल, फिर आसाम, बंगाल, ये सब सेकेंड ग्रुप में उसने डाले थे. एंड फिर उसके अलावा सम रिपब्लिक्स ऑफ पंजाब वर आल्सो इन दैट ग्रुप. ओके, देन थर्ड ग्रुप इंक्लूडेड द फॉरेस्ट किंगडम्स सिचुएटेड इन द विंध्या रीजन. विंध्या रीजन यानी विंध्या माउंटेन्स जहाँ पर है सेंट्रल इंडिया साइड में. फोर्थ ग्रुप इंक्लूड्स द 12 रूलर्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया, ठीक है, जिसमें फिर कांची से लेके कांची तक, तमिलनाडु में जो कांची है कांचीपुरम वहां तक समुद्रगुप्त का स्ट्रेच था. एंड इवन पल्लवाज हु वर अ पावरफुल डायनेस्टी एट दैट टाइम, हमने किया था संगम एज में दैट इट वाज द पल्लवाज हु डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ चोलास. तो पल्लवाज वर आल्सो फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ गुप्ताज. और फिर एक लास्ट ग्रुप था फिफ्थ ग्रुप विच इंक्लूडेड द शाकाज और कुशंस विच वर हु वर रूलिंग इन अफगानिस्तान एरिया. तो वहां पर जो उनके रिमेनिंग रूलर्स बचे थे कुशन एम्पायर के, तो दे वर आल्सो सब्जुगेटेड अंडर समुद्रगुप्त, ठीक है. तो एंड नॉट ओनली दैट द प्रेस्टीज
of Samudragupta also extended beyond Indian shores. So, Srilanka mein ek ye hai Chinese writers ne उसके बारे में मेंशन किया। एक चाइनीज राइटर था, उसने एक अकाउंट लिखा है कि एक मेघवर्मन करके श्रीलंकन किंग था, जिसने समुद्रगुप्त को एक एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन इन द सेंस एक रिक्वेस्ट भेजी थी दैट ही वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ मॉनेस्ट्री और अ बुद्धिस्ट टेंपल एट गया, व्हिच इज वन ऑफ द होली बुद्धिस्ट प्लेसेस, एंड समुद्रगुप्त ग्रांटेड इट। So that temple was constructed. So this also shows that Guptas were tolerant, though they followed the Vedic religion, but they were not intolerant to the Buddhists. Okay. Then Samudragupta never knew a defeat, as is what is written in his chronicles about him. He एक भी battle आज तक समुद्रगुप्त हारा नहीं। और उसके टाइम पे उसका एम्पायर बढ़ता ही गया एंड इट लास्टेड इट रिमेंड द वे इट वाज टिल हिज डेथ। देन समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय चंद्रगुप्त टू। नाउ द चंद्रगुप्त टू का जो रीन था दैट सॉ द हाईएस्ट वाटर मार्क ऑफ गुप्ता एम्पायर, क्योंकि अब उसने जो उसने जैसे एक मैट्रिमोनियल रिंज रिलेशन बनाया था वाकाटकास के साथ। वाकाटका वाज अ स्मॉल एम्पायर दैट हैड इमर्ज्ड इन द विदर्भ रीजन आफ्टर द फॉल ऑफ सत्वाहनास। सो बाय मैरिंग द डॉटर ऑफ वाकाटका प्रिंस प्रभावती, सो वाकाटकास वर आल्सो ब्राह्मिन रूलर्स, तो ही गॉट एक्सेस टू दिस वाकाटका किंगडम एंड इवेंचुअली that was annexed and incorporated into the Gupta empire. Now, so initially he exercised indirect control over the Vakataka kingdom and later on it was conquered. Now he also conquered some western Malwa and Gujarat areas jo us samay bach gaye the Samudragupta se, to wo bacha kucha isne complete kar liya tha. So as I told you that Gujarat and Konkan area was under the Shakas, so the Shaka domination was finished during his rule, and फिर गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि उनको दो कैपिटल्स बनानी पड़ी। सो उज्जैन बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता's रूल। तो पहले एक कैपिटल तो प्रयाग साइड में थी एंड सेकंड वाज चंद्रगुप्त उज्जैन। तो नाउ द एक्सप्लॉइट्स ऑफ चंद्रगुप्त वर आल्सो आई हैव आर आल्सो ग्लोरीफाइड ऑन द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन दैट इज फिक्स्ड एट कुतुब मीनार। I don't know if you have seen it. तो कुतुब मीनार पे कुछ जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई है उस पिलर पे, उसमें एक चीज मेंशन, उसमें चंद्र नाम करके नाम मेंशनड है किंग का। सो दैट हिस्टोरियन से दैट चंद्र इज नो वन एल्स बट चंद्रगुप्त टू, नॉट चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू। ही ऑल्सो एडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य विच वॉज फर्स्ट यूज बाय द उज्जैन रूलर ऑफ इन 57 BC. जो अगर तुमको याद होगा कि वो शाका रूलर था उज्जैन का, और एक शक संवत जो शुरू किया था, सॉरी विक्रम संवत जो शुरू किया था 57 AD में, BC में वो उसने शुरू किया था। दैट मींस वो एक ईरा शुरू होने की बात होती है। सो कैलेंडर डेट्स यू कैन ट्रेस बैक टू दैट, यू कैन यूज दैट एज अ रेफरेंस। तो जैसा उसने उज्जैन रूलर ने 57 BC में विक्रमादित्य टाइटल लिया था, तो वैसा इसने भी लिया था। और ही वॉज एडॉर्न्ड बाय वेरी फेमस कोर्ट पोएट्स, सो उसमें कालिदास और अमर सिंह उसके कोर्ट के दो और फेमस कोर्ट पोएट्स थे। देन इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल दैट फासिंग चाइनीज ट्रैवलर हैड विजिटेड इंडिया एंड ही रोट एन इलेबरेट अकाउंट of his empire. So that Fahasin ki jo book hai, that also acts as an important source of historical construction in India. Kyunki foreign accounts ka ek advantage hota hai history construction mein, humne pehle bhi baat ki hai ki wo thoda unbiased hone ke chance zyada hote hain. Aisa nahi ki unbiased ho nahi sakte, but
वो अनबायस्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है, why should they be favoring someone or disfavoring, वो वही लिखेंगे जो उन्होंने देखा है, ओके, वो अननेसेसरीली तारीफ नहीं करेंगे, जो एक टेंडेंसी होती है वहां के एक्चुअल कोर्ट पोएट्स में. Now then, as all good things end, so did Gupta Empire end. So, अब गुप्ता एम्पायर में उन्होंने वो कैसे एंड हुआ. सो फर्स्ट वाज द रीजन वाज द इन्वेजन बाय द हूनास. पहली बात तो सक्सेसर्स गुप्ता चंद्रगुप्त टू के बाद के इतने इफेक्टिव नहीं थे. फिर उन्होंने वहां पे स्कंद गुप्त के टाइम पे ही हून इन्वेजन. नाउ हून वाज अनदर ट्राइबल ग्रुप विच स्टार्टेड इन्वेडिंग इंडिया एंड इवेंचुअली दे ऑल्सो सेटल डाउन इन इंडिया. और उसके बाद वो दे वर कॉन्फर्ड द क्षत्रिय स्टेटस. एंड वो जो उसके बाद के जो गुर्जर प्रतिहार एम्पायर था वो देवर हून ओरिजिन ओनली. सो उसका जो चंद्रगुप्त टू का सक्सेसर था स्कंदगुप्त. नाउ ही वाज इफेक्टिव इन स्टेमिंग द टाइड ऑफ द हून इन्वेजन. बट उसके बाद के जो सक्सेसर थे वो उनको नहीं रोक पाए. तो Hun invaders had some special advantages that they used stirrups made up of metal and they could move quickly and they were excellent archers. ठीक है. तो पहले Hunas by 485 Hunas occupied the entire eastern Malwa region and a good portion of central India. Then intermediate regions जो थे पंजाब और राजस्थान के वो भी उनके control में आ गए धीरे धीरे. Then वहां पे एक यशोधर्मन करके एक मालवा एरिया में एक नया फ्यूडेटरी था गुप्ता एम्पायर का. वो ओलिकारा फ्यूडेटरी फैमिली से था. तो उसने हुना पावर को वहां पर अपने एरिया से खत्म कर दिया मालवा एरिया से. ठीक है. एंड देन ही ऑल्सो चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ गुप्ताज. तो उस वो भी गुप्ता एम्पायर के पीछे पड़ गया. और उसने हुना उसको तो हरा दिया लेकिन वो भी गुप्ता एम्पायर इसको हराने के लिए आ गया. सो बट यशोधर्मन का जो रूल था दैट वाज शॉर्ट लिव्ड. एंड यशोधर्मन की डेथ के बाद वो ओलिकारा फैमिली का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता. बट नेवरदलेस इट आल्सो इन्फ्लिक्टेड अ बिग ब्लो ऑन द गुप्ता एम्पायर. ओके. सो गुप्ता एम्पायर वाज फर्दर अंडरमाइंड बाय द राइज ऑफ द फ्यूडेटरीज. सो द गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द गुप्ता किंग्स इन नॉर्थ बंगाल एंड देयर ये जो सामंत फैमिलीज थी उनको सामंत सामंता सरनेम भी होता बंगालियों में. तो वहां पर उसकी वजह से उनकी अथॉरिटी वीक होने लगी. फिर एक बिहार उत्तर प्रदेश एरिया में एक मौखारीज करके एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ. उन्होंने गुप्ता एम्पायर को फर्दर खत्म करने में काम किया. So in by 550 AD the Bihar Uttar Pradesh area wo jo unka core area tha that also passed out of the Gupta hands. The rulers of Valabi established authority in Gujarat and western Malwa. To dheere dheere sare parts Gupta empire ke haath se jane lage. Aur fir jo western India mein jab unke haath se Valabi yani Gujarat area ho gaya to Gujarat area se bhi जब इनका रूल खत्म हो गया तो उनके जो फॉरेन ट्रेड से रेवेन्यूज आते थे वो भी आने बंद हो गए. सो धीरे धीरे करते करते सभी कुछ खत्म होता गया. एंड इन द मीन टाइम हरियाणा एरिया में थानेसर डिस्ट्रिक्ट में एक नई फ्यूडल फैमिली इमर्ज होके आ रही थी और विच वॉज स्टार्टेड बाय पुष्यभूति. और उसका फिर जो सक्सेसर था हर्षवर्धन उसने फिर एक अपना एम्पायर बनाया बाद में. वो बाद में आता है थोड़ा मतलब अराउंड 101 साल बाद गुप्ता एम्पायर के फॉल के 50-60 साल बाद. तो ऐसे करके गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता गया और इवेंचुअली बाय 550 एडी इट एंडेड. सो बट नेवरदलेस गुप्ता एम्पायर इज कॉल्ड द गोल्डन ईरा ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. द रीजन इज दैट इट इज टर्म्ड बाय हिस्टोरियंस एज द मोस्ट प्रॉस्परस ईरा. क्योंकि और इसीलिए उसको गोल्डन ईरा भी बोलते हैं क्योंकि इट हैड अ फ्लरिशिंग इकोनॉमी फ्लरिशिंग ट्रेड एंड स्टेबल पॉलिटिकल रिजीम एंड टॉलरेंट किंग्स
सेक्युलर किंग्स, तो बहुत सारे उसके रीजंस थे जिसकी वजह से इट इज टर्न्ड एज गुप्ता एम्पायर. लेकिन उसके कुछ मैल इफेक्ट, बैड इफेक्ट्स भी इंडियन सोसाइटी में आए. जैसे कि सिंस दैट पीरियड बेसिकली द वर्ल्ड सिस्टम गॉट मोर कंसोलिडेटेड, एंड उन्होंने जो प्रैक्टिस ऑफ जो सतवाहनास के टाइम पे लैंड ग्रांट्स की प्रैक्टिस शुरू हो गई थी ब्राह्मीन प्रीस्ट को और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, तो वो उन्होंने नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा शुरू की, जिसकी वजह से ब्राह्मिनिकल डोमिनेंस बढ़ने लगा. एंड अगेन द सेंट्रल अथॉरिटी स्टार्टेड गेटिंग वीक. सो सेंट्रलाइज्ड आर्मी या ऐसा वो सिस्टम उन्होंने नहीं रखा जैसा मौर्यास के टाइम पे था. सो दे हेवीली रिलाइड ऑन फ्यूडेटरीज, और फ्यूडेटरीज पे रिलाय करने की वजह से उनका एम्पायर धीरे धीरे वीक होना शुरू हुआ, क्योंकि फ्यूडेटरीज में रिबेल और दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट फॉरेन इन्वेजन्स. तो ये सब था. अब उनका जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ये था कि दैट गुप्ता अडॉप्टेड पॉम्पस टाइटल्स लाइक परमेश्वर, महाराज अधिराज, देन परम भट्टाकार, ऐसे बड़े बड़े पॉम्पस टाइटल्स वो अपने लिए रखते थे. किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, यानी देर वॉज नो एलिमेंट ऑफ रिपब्लिक और इलेक्शन, तो हेरिडिटरी मोनार्की थी. एंड वहाँ पर गुप्ता एम्पायर के टाइम से लक्ष्मी जो देवी है उसकी पूजा ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटली बढ़ने लगी. नाउ सिंस गुप्ताज वर ऑफ वैश्य ओरिजिन, सो मनी मैटर्ड अ लॉट, एंड गॉडेस ऑफ वेल्थ इज लक्ष्मी. एंड लक्ष्मी इज रिप्रेजेंटेड ऑन मेनी गुप्ता कॉइन्स एज वाइफ ऑफ विष्णु. Now the numerical strength of Gupta army is not known. Now, evidently, but that they relied heavily on the armies of their feudatories, or horse chariots receded into background and cavalry came to the forefront. So, or horse, ये जो थी horse archery, यानी घुड़ सवार जो तीर चलाएगा, बाण और तीरों से अटैक करेगा, ये एक मिलिट्री नया मिलिट्री टैक्टिक इनके पास आया. बट नेवरदलेस उन्होंने मौर्याज, नंदाज जैसी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं खड़ी की कभी. मे बी उनको लगता होगा ये बेकार का खर्चा है, वैसे भी वो वैश्य ओरिजिन से थे, सो अननेसेसरी स्पेंडिंग ऑन आर्मी, मे बी दे डिड नॉट बिलीव इन दैट. उनको लगता था जब भी चाहिए हम आर्मी तो किराए पे भी ले सकते हैं, अपनी क्यों मेंटेन करें. ओके सो उन्होंने फ्यूडेटरीज की आर्मीज पे रिलाय किया, और फिर वो एक रीजन बन जाता है इन फ्यूचर तुम्हारा एम्पायर वीक होने का. ओके फिर उनका एक इलेबोरेट जुडिशियल सिस्टम था. सेवरल लॉ बुक्स वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. देन ब्यूरोक्रेसी ऑफ गुप्तास इंक्लूडेड द कुमार मात्यास. सम इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर वर कॉल्ड कुमार मात्यास. एंड एक और गुप्ताज के टाइम पे ये था कि द रिक्रूटमेंट वॉज नॉट कन्फाइंड टू द अपर वर्णास इन द ब्यूरोक्रेसी. सो पीपल फ्रॉम ऑल ह्यूज वर टेकन इन टू द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन. तो उन्होंने एक प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया, जिसको उन्होंने डिवाइड किया. जैसे डिविजन्स वर मेड, लाइक भुक्तीज वॉज कॉल्ड अ प्रोविंस, देन इट वॉज अंडर द चार्ज ऑफ अ उपारिका. Okay, and then they were further divided into district called Vishayas, and which was under the headship, which was headed by Vishayapati. ठीक है. और फिर यही गुप्ता पीरियड था जिसमें जो विलेज हेडमन हुआ करता था उसकी पोजीशन काफी इंप्रूव हुई. ठीक है. सो गुप्ता पीरियड में बेसिकली जो अच्छा ये गुप्ता पीरियड ही है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑक्यूपेशनल गिल्ड्स की शुरुआत हुई. गिल्ड मतलब एसोसिएशन होती है. ओके जैसे ऑटो रिक्शा यूनियन हो गई या और कोई यूनियन हो गई, केबल ऑपरेटर्स यूनियन, तो ऐसे उसको गिल्ड बोलते हैं. तो ऐसे कई सारे सिल्क वीवर्स की गिल्ड, फिर ऑयल प्रेसर्स की गिल्ड, ऐसी गिल्ड सिस्टम शुरू हुई. एंड इस गिल्ड सिस्टम के साथ ही जो जाति व्यवस्था थी वो कंसोलिडेट होनी ज्यादा शुरू हुई, बिकॉज
शूद्रा ये जो है ये कोई यूनिफॉर्म होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है इंडिया में. नाउ दे आर द एंटायर शूद्र कम्युनिटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस जातीज. सो वर्ण शूद्र बट जातीज आर कैन बी मेनी. एंड व्हाई दिस जाति सिस्टम रिमेंड वाज दैट इट वाज एंडोगैमस. एंडोगैमस मतलब मैरिज विद इन द ग्रुप. सो सपोज देर इज अ जाति ऑफ धोबी कम्युनिटी और ऑयल प्रेसर्स एंड तेली कम्युनिटी या फिर ब्लैक स्मिथ्स लोहार जो होते, तो वो लोहार कम्युनिटी लोहार ही थी रही हजारों साल. चमड़े का काम करने वाली कम्युनिटी चमड़े की वही रही हजारों साल और वही चलता आ रहा. सो दैट वॉज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कास्ट. And this caste system basically consolidated more during the Gupta period, because now occupational groups and guilds had already started. Okay, now the feudatory, the major part of the empire was basically held by the feudatory chiefs. Okay, and many of whom were basically subjugated by Samudragupta. So, इनके तीन obligations थे king के लिए as vassals. First was they offered homage to the sovereign by personal attendance at the court. So rule क्या था कि हर जो feudatory head होगा वो personally एक बार वहाँ पे शकल दिखाने आएगा capital में, ठीक है, सलाम ठोकने. Then he would also pay tribute and in the form of मतलब वो ट्रिब्यूट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस भी हो सकता है. दे आल्सो कैन गिव देयर डॉटर्स इन मैरिज. ओके, और दूसरा ये था कि तीसरा ये था कि वो अपनी आर्मीज को हमेशा जब भी सेंट्रल अथॉरिटी को लगेगी तो वो उनको उनको देनी पड़ेगी. तो ये उनके मेन काम थे. एंड गुप्ता एडॉप्टेड द रॉयल गरुड़ा सील. गरुड़ उनका जो था वो मेन सील था. और वो सील हर कई जगहों पर मिला है गुप्ता टाइम पे. तो दिस ओनली शोज दैट वो सारी एरियाज गुप्ता एम्पायर का पार्ट थी. फिर एक फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन प्रीस्टली क्लास को देने का, ब्राह्मीन प्रीस्ट को देने का गुप्ता एम्पायर के टाइम पे चलन चालू हुआ. और वो उस चलन की वजह से गुप्ता एम्पायर इन फ्यूचर वीक होना शुरू हो गया. एंड मोर ओवर द वर्ण सिस्टम गॉट started getting consolidated. Okay, so they neither had an elaborate administrative machinery as the Mauryas, and their political system was, you can say, feudal in nature. अच्छा, फिर इनका trade और economy के इसमें ये था कि गुप्ता issued largest number of gold coins. Of course, उनके gold coins की purity उतनी पिए नहीं थी जैसे कुशंस के टाइम में थी, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए. सो गोल्ड कॉइन्स आर इश्यूड ओनली व्हेन द इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग. सो दिस इज अ क्लियर एविडेंस दैट गुप्ता इकोनॉमी वाज एक्सट्रीमली प्रॉस्परस. और जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको उस समय दिनार कहा जाता था, यानी अभी दिनार जैसे सऊदी अरेबिया की करें या दिरहम या दिनार, ये सब गल्फ कंट्रीज की करेंसीज होती है. तो दुबई में तो यहाँ पर उसको दिनार कहा जाता था गुप्ता टाइम पीरियड में, ठीक है. एंड दे आल्सो इशूड सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स आर ओवर आल्सो इशूड. नाउ द यूज ऑफ मनी डिड नॉट टच द कॉमन मैन सो मच सो द वे इट डिड इन द ड्यूरिंग द कुशंस, ठीक है. फिर ये इनका धीरे धीरे जो ये खत्म होना चालू हुआ, जैसे वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड वगैरह, तो उसके साथ उनकी वो भी खत्म हो गई. अच्छा, फिर इन द सोशल स्फीयर, नाउ द लैंड ग्रांट्स, द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स मेड द ब्राह्मिन्स मोर प्रॉस्परस एंड पावरफुल. ओके, नाउ अब गुप्ता एम्पायर, गुप्ता जो थे देवर ओरिजिनली वैश्यास, बट दे लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय और ब्राह्मण्स को अपने ऊपर ही समझते थे, भले उनके पास सत्ता थी. देन
अब जैसे होता क्या था कि यज्ञों के थ्रू जो यज्ञ होते उसके उसके थ्रू द ब्राह्मिन प्रीस्ट एट्रीब्यूटेड सम गॉडली क्वालिटीज इन द गुप्तास, और उसकी उस चक्कर में वो उनको बड़े खुश होके ढेर सारी लैंड ग्रांट्स और वैसे ग्रांट्स देते थे. सो द ब्राह्मिन्स एक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ वेल्थ ऑन अकाउंट ऑफ लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. और नारद स्मृति जो लॉ बुक है वो भी उसी पीरियड में कंपाइल हुई. नाउ द क्लास एज आई टोल्ड यू अर्लियर द वेरियस कास्ट प्रोलिफरेटेड इनटू सब कास्ट एज अ रिजल्ट ऑफ टू फैक्टर्स. तो उसका मेन ये था कि लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स फर्स्ट हैड असिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी एंड एंड मेनी ट्राइबल्स वर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्राह्मिनिकल सोसाइटी. ठीक है. सो दिस वे थर्ड मेनी राजपूत क्लैंस इमर्ज्ड, जैसे 36 राजपूत क्लैंस ही आ गए. ओके. नाउ पोजीशन ऑफ शूद्रास बेसिकली इंप्रूव ड्यूरिंग दिस पीरियड. एक्चुअली होता क्या है कि जब इकोनॉमी फ्लरिश करती है तो हर किसी की पोजीशन इंप्रूव हो जाती है. एंड उनके ऊपर के जो डिसेबिलिटीज थी वो थोड़ी कम होगी. नाउ दे वर अलाउड टू लिसन परमिटेड टू लिसन टू रामायण एंड महाभारत एंड द पुराणास. दे कुड ऑल्सो वर्शिप द न्यू गॉड विच हैड इमर्ज्ड, दैट इज कृष्णा. तो जो कृष्ण भगवान है और उससे एसोसिएटेड जितनी माइथोलॉजीज ये है ये सारी गुप्ता पीरियड में क्रिएट हुई. एंड शूद्रास वर ऑल्सो अलाउड टू डू सम रिचुअल्स एट देयर होम by engaging a Brahmin priest. Now from the 7th century onwards, they were mainly represented as agriculturists. Okay. But during this period, the untouchables increased in number, hence especially the Chandalas. By the 5th century, their number had become enormous and the disabilities glaring. Yani, untouchability as a practice basically started from the Gupta period. So ye uske kuch problematic ye bhi hai. Even sati pratha ki bhi jo shuruaat hai wo Gupta period se hi shuru hui. The status of women went down since the Gupta period. And I told you earlier also that in the religious sphere, now first of all too many gods and goddesses started emerging. And idol worship started, and these idols were started to be put in four walls and that place would be called a temple. So mandir aur murti puja, ye original Hinduism ka part to kabhi nahi thi. It basically started with the Gupta era. Theek hai. Fir in the sphere of fir aise isme fir Buddhism ka kya status tha. So Buddhism no longer received the royal patronage in the Gupta period, but nevertheless, according to Fahasin, Buddhism did flourish during Gupta period. Sirf yehi tha ki usko royal patronage nahi tha. And some monasteries, jaise ki Nalanda aur ye sab jo monasteries hai, ye Gupta period ke time pe banni chalu hui. Aur phir usme alag-alag rulers ne bhi contribute kiya. Phir ek Nalanda University thi aur ek aur Pala dynasty ke time pe ek aur Vikramshila University bhi thi, which was of basically Buddhist origin. बुद्धिस्ट नेचर. और नालंदा यूनिवर्सिटी में उस जमाने में 3000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे. पूरे दुनिया से अलग अलग जगहों से आके वहाँ पे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए आते थे. तो अब देखा जाए तो ये भी गुप्ता पीरियड के टाइम पे हुआ, बट नेवरदलेस बुद्धिज्म नो लॉन्गर रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज. अच्छा, एक और इसमें डेवलपमेंट ये थी, द ओरिजिन ऑफ भगवतिज्म स्टार्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. तो भगवतिज्म इज एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट. ठीक है. सो नारायण जो था, नारायण जो फिगर था, ये बेसिकली ओरिजिनली ये नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड था, बट इट वाज एंड ही वाज कॉल्ड भागवत एंड हिज वर्शिपर्स वर कॉल्ड भागवतास. तो फर्टिलिटी कल्ट, विष्णु हु वाज अ माइनर गॉड इन द वैदिक टाइम्स, Now he became prominent and Narayan ko bhi unhone usi mein include kar liya. Now the worshippers of Vishnu and those of Narayan were brought under the umbrella of by merging Vishnu with Narayan. So Narayan God, aam logo ka, shudro ka God, tribal God jo tha wo aur Vishnu ko tumne ek hi bana diya. To ab kya ho gaya?
कि उसकी वर्शिप ट्राइबल्स भी करेंगे और ये भी करेंगे. सो दिस इज हाउ बेसिकली हिंदुइज्म रिसरेक्टेड इटसेल्फ एंड स्प्रेड इटसेल्फ. बिकॉज उससे पहले बुद्धिज्म पूरे इंडिया में फैल चुका था. हिंदुइज्म हैड टू स्प्रेड. सो मेनी चेंजेस इन द नेचर ऑफ गॉड्स वर मेड. सो जो ओरिजिनल एक मासेस का गॉड था उसी को तुमने विष्णु का अवतार बना दिया एंड देन so that masses should also worship. So Vishnu became a prominent god during the Gupta period, who was a very minor god during the Vedic period. वो हमने पहले भी देखा था. उस समय दूसरे गॉड थे Vedic period में, इंद्र अग्नि ये सारे गॉड्स थे. अभी कौन पूछता है उनको. ओके देन रिलीजियस टेक्स्ट भी इमर्ज होके आए उसी पीरियड में इंपॉर्टेंट. विष्णु पुराण, द विष्णु स्मृति. All the smritis are basically related to dharma shastras. So Vishnu smriti, Narad smriti, Manu smriti, ये सारी इसी 300-400 साल period के time की है. Okay. So Bhagavatism and Vaishnavism which started during the Gupta period, it overshadowed the Mahayana form of Buddhism, and it also preached out in doctrine of incarnation and avatar. Okay. And cycle like many lives of Vishnu, that is 10 दशावतार जो आया concept, वो basically Vishnu के भी ढेर सारी lives रही है ये दिखाने के लिए आया. ठीक है. So with this we finish Gupta's. Some part is left. We'll continue.